एंड गर्ल्स, हम खड़े हैं तिरुपति बालाजी में, द वन एंड ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडिया में पिलग्रिमेज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव गॉट माय फ्रेंड्स विद मी. सबसे पहले हमारे जो सीनियर मोस्ट है गुप्ता जी हमारे साथ हैं. गुप्ता जी हमारे कॉलेज से हैं, हमारे सीनियर साथ में. फिर लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय फ्रेंड्स, विवेकानंद मैकेनिकल, शर्मा जी, सचिन शर्मा ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल, हमें जूनियर्स, श्रेयस त्रिपाठी कंप्यूटर साइंस, राहुल गुप्ता एंड वेरी स्पेशल जम्मू कश्मीर. थैंक यू. एंड ऑल्सो टू कॉलेज श्रीकांत सर. Hi, I'm the guide here today, right? Let's catch up for next episode. Yeah. Thank you, Nalbhai. Okay, we are all set for way to Tirumala with our whole gang. We have some short stuff in the nashta. So, guys, let's walk up for the Tirumala. Tirumala means three parvat of, malas seven, of parvat. Seven hills. Jahan pe hamare Tirupati ki bandh hai. This is the way to footpath for the Tirumala. Okay, let's proceed. The second Gopam or the gateway. The first one, वहाँ पे हमारे विष्णु जी के मीन अवतार का दर्शन था, यहाँ विष्णु जी के कच्छप अवतार का दर्शन है. So we further move on to the third Gopam or the third gateway, which is entirely same. और देख सकते हैं कितना भव्य है. So let's move on forward with our all guys. हमें जब बस 600 स्टेप्स क्रॉस कर चुके हैं एंड आपके बाजू जो दिख रहा है वराह स्वामी का मूर्ति है. और इस मूर्ति का मतलब एक स्पेशलिटी ये है कि ये पर्वत जो था पहले वराह स्वामी का मतलब पर्वत था, और हमारे वेंकटेश्वर स्वामी जो थे मीन्स बालाजी टेम्पल जो बना हुआ है, वो भगवान जो है इनको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा जगह दे दो इस पर्वत के ऊपर. लेकिन उनका हाय, वंस अगेन. अब देखो आप देख रहे हैं 900 स्टेप्स क्रॉस कर चुके हैं एंड यू कैन सी स्लो से हमारा स्टेप्स जो है स्लोपिंग बढ़ रहा है. अच्छा, ये खतरनाक आ गया. हाँ, अभी मतलब इसे जनरली मोहकाल पर्वतम करके बोला जाता है हिंदी में. कितना स्टेप है रूम में? कितना स्टेप है? अभी तो है 50-60 तो होंगे ऐसे वाले. स्ट्रेट? हाँ, स्ट्रेट है. और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सिंसियरिटी बिटवीन दी अमंग द पिलग्रिम्स. हर एक स्टेप में मतलब हल्दी और सिंदूर लगाओ. हाँ, एंड ये सभी लोग माना जाता है कि हर एक स्टेप में उनको मतलब भगवान दिखाई देगा. हाँ, यू कैन सी इन एवरी स्टेप एंड आपको हर एक स्टेप में लास्ट एंड तक आपको ऐसे ही दिखाई देगा. एंड नाम
दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना औरत ना स्त्री ना पुरुष ना जानवर ना इंसान ना पशु। सजी ने मूड का है वो उसका आ जाएगा उसका नाम है यू नो हिज नेम खेल खेल किल किल रिकॉर्डिंग सब चलो चलो ए मेरे चीतो जवानों चलो चलो चल बेटे आओ बुरी आइए जल्दी टोकन तो इधर ही मिलेगा दिव्य दर्शन दिव्य दर्शन जब रोस्ट दिव्य दर्शन जब रोस्ट नहीं मैं यहाँ एक्शन एक्शन रिएक्शन ये बताइए Hey babies. चढ़ाई शुरू हो गई है घूमिए आप लोग ठीक है कर रहे हैं चल रहे हैं
पंडित है तू समझ ले, वो भी वाराणसी का आ रहा हूँ मैं, टेंशन ना ले। हाँ सर, त्रिपाठी का हो गया। हाँ अरे तू तो हाथ के सारे चल रहा है, गुड्डू के सारे थोड़ी चल रहा है, वो तो दिख ही रहा। ओके गाइस, फाइनली हम पहुंच गए पूरे लास्ट स्टेप में, आप देख रहे होंगे दिस इज लास्ट स्टेप। यू आर सीइंग हियर मतलब भगवान के लिए चल रहे जल्दी, दिस इज द वन वे रिटर्निंग पाथ। सर आई एम हियर। यस त्रिपाठी, ठीक है अशोक वन नारायण आया, ओम नमो वेंकटेश आया। एंड फाइनली आज रात को 11 बजे तक हमारा दर्शन पूरा हो गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम सुबह ऑलमोस्ट 10:45 को स्टार्ट किए थे एंड रात को 11 बजे तक हमारा दर्शन लास्ट हुआ। बट एनीवे वो जहाँ थकान हुआ था हमारा पैर सूज गए, नो प्रॉब्लम, बट बहुत अच्छा दर्शन हुआ एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द दर्शन। एंड मिस्टर लॉर्ड वेंकटेश्वरा, एंड अभी भीड़ बहुत है, अभी भीड़ बहुत है एंड नाइट टाइम फुल 24 आवर्स रहता है। भगवान को ऐसे तो रेस्ट नहीं है, बट हमारे लिए तो रेस्ट चाहिए बिकॉज हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम टुमारो वी विल शेप। एंड एनीवे गुड नाइट, बाय बाय। ओके आई एम राहुल, अभी आप हमारे मंदिर के सामने खड़े हैं तो हमारे फील लग रहा है कि हमारे सर ने आपको तभी से जर्नी करवाया और बहुत सुपर, बहुत मज़ा आया पैदल चलने में, खासकर 4000 स्टेप्स चलने में तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद वी स्टॉप वी एट वी डैंक, मतलब बहुत फन स्टेप्स हुए हमारे बीच में। विवेक त्रिपाठी मुदस्सिर, खासकर लाइन में तो बहुत मज़ा आया, सुपर बताऊँ मैं। सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब वो कसल हो रही थी लाइन में, यू नो क्या क्या चिल्ला रहे थे आप लाइन में बार बार, समथिंग वेंकटेश आया एंड लास्ट में गोविंदा गोविंदा। और आपको यहाँ के लड्डू जो यहाँ बहुत फेमस है वो आपको कैसे लगे? आई गॉट कपल ऑफ एक्स्ट्रा लड्डू विद मी जो को मैं घर भेजूंगा। ओके बाकी सब सुपर था, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है। थैंक यू गुप्ता सर है, आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ हमारे साथ आज मंदिर में, कुछ बताइए आपको कैसा फील लग रहा है? मज़ा आया, अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और यात्रा बड़ी सफल रही है और सबका बड़ा सहयोग मिला है और बड़ा आनंद आ गया। अब भगवान चाहेंगे देखो दोबारा फिर बुलाएंगे, दोबारा देखिए जरूर आएंगे यहाँ पर। और जो आपने अभी कुछ खरीदा यहाँ परचेज किया सबसे सस्ते दामों को बताइए। उसी ने एक दिखाइए, इनकी तस्वीर खरीदी है। इसे कौन से भगवान बोले जाते हैं? इनको बोले जाते हैं तिरुपति बालाजी बोला जाता है जी। हाँ वो तो उन्हीं के पास ही तो आया, उन्हीं के पास आए तो ये उनकी तस्वीर खरीदी, उनका प्रसाद है। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।